नमस्कार दोस्तों, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने पर जो है इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। बताया जा रहा है योर ट्रांजैक्शन हैज बीन डिक्लाइन बाय द बैंक। बताया जा रहा है कि आप बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से जो है ऑनलाइन शॉपिंग जो है नहीं कर सकते हैं। ये पेमेंट जो है बैंक की तरफ से जो है अस्वीकृत जो है किया गया है। अगर आपका भी जो यही प्रॉब्लम है कि आप बजाज ईएमआई कार्ड से जो है फ्लिपकार्ट पर या अमेजन पर जो है ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व किया जाए, आइए आज की इस नए वीडियो में जो है जानते हैं। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्माटेक। चैनल पर नया है तो जो इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बजाज ईएमआई कार्ड जब हम लिए थे तो सबसे पहले जो है ऑफलाइन शॉपिंग किए थे, वहां से मोबाइल फोन खरीदे थे। इसके बाद जो है हम एक साल के बाद जो है ऑनलाइन जो है कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन है डिक्लाइन का जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम जानिए कैसे आ रहा है, चलिए आपको लाइव जो है करके दिखाने वाला है। जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट से एक लैपटॉप जो है लेना चाहते हैं, आप मोबाइल जो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हमने फ्लिपकार्ट से ओपन करके एक ये प्रोडक्ट जो है लेना चाहते हैं, असूस का जो है लैपटॉप है वीवो बुक। तो यहाँ पर जो है इस लैपटॉप को जो है आपको कीमत देख सकते हैं 27,990 रुपये है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि नो कॉस्ट ईएमआई पर जो है आपको लैपटॉप मिलने वाला है। आप यहाँ से जो है व्यू प्लान पर क्लिक करके देख सकते हैं कि लैपटॉप जो है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड पर मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड पर ये लैपटॉप जो है मिलने वाला है। इसका जो है एक महीना का जो है 9,330 रुपये जो है आपको किस्त जो है पेमेंट करना होगा। नो कॉस्ट ईएमआई पर मिलेगा, लेकिन आपको जो है यहाँ से आप देख लिए हैं कि ये जो है लैपटॉप नो कॉस्ट ईएमआई पर ले सकते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड पर। अब ये लैपटॉप हमें जो है लेना है, तो लेने के लिए हमको बाय नाउ वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा नीचे की तरफ। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ से जो है कीबोर्ड ऐड कर लीजिए, माउस ऐड कर लीजिए। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद हमें स्किप एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका एड्रेस आ गया है कि ये लैपटॉप जो है यहीं पर जो है आपका डिलीवर किया जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। जब कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट का पेज जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको पेमेंट करना होगा कि आप कैसे जो है पेमेंट कर सकते हैं इस लैपटॉप को जो है खरीदने के लिए। तो हमको जो है नीचे की तरफ जो है स्क्रॉल डाउन करना होगा, नहीं तो यहाँ पर ऊपर में जो है बताया जा रहा है कि आप इस लैपटॉप को जो है बजाज फिनसर्व ईएमआई पर जो है ले सकते हैं 3 मंथ के लिए, जो नो कॉस्ट ईएमआई लगने वाला है। तो हमें नीचे की तरफ जो है क्लिक करना होगा इजी इंस्टॉलमेंट, ईएमआई एंड इजी इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी बैंक के क्रेडिट कार्ड होंगे तो ईएमआई कोड पर दे रहे होंगे इस लैपटॉप को, तो सारा ऑप्शन जो है यहाँ पर आ गया है। जैसे कि अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप ये लैपटॉप जो है नो कॉस्ट ईएमआई पर ले सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है। इसके बाद फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड हो गया, स्टेट बैंक का, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो हमें जो है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से जो है लेना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है नहीं दिखाया जा रहा, तो आपको सी ऑल वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का ऑप्शन जो है आ गया, तो आपको इसी वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है 9,330 रुपये जो है आपको पेमेंट करना होगा लगातार 3 मंथ तक। आपको जो है 1,000 रुपये जो है डिस्काउंट भी जो है मिलने वाला है। तो यहाँ आप देखिए 24,990 रुपये हो गया। ये प्लान चूज कर देने के बाद आपके जो यहाँ पर बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड पर जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का जो है नंबर इंटर करना होगा, फुल नंबर आपको इंटर करना होगा। तो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड का फुल नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो आप लोग आपको क्या करना होगा, बजाज फिनसर्व ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसी मोबाइल नंबर से जो है लॉग इन कीजिएगा, तो उसी मोबाइल नंबर से लॉग इन कर देने के बाद आपको ईएमआई कार्ड वाला ऑप्शन जो है दिख जाएगा, वहीं से आप बजाज ईएमआई का फुल कार्ड नंबर जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद फुल नंबर यहां पर इंटर कर देने के बाद प्लेस ऑर्डर वाला ऑप्शन पर जो है क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी सेंड किया गया है बजाज की तरफ से, तो उस ओटीपी को आपको यहां पर डालना होगा। इसके बाद कंफर्म एंड पे वाला ऑप्शन पर जो है आप लोग क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए इस प्रकार का जो है एरर आ गया कि ट्रांजेक्शन जो है बैंक की तरफ से जो है डिक्लाइन कर दिया गया है, आप इस प्रोडक्ट को जो है इस बजाज ईएमआई कार्ड से जो है आप नहीं खरीद सकते हैं। तो हमारा फिनसर्व ईएमआई कार्ड का जो हमारा KYC भी कंप्लीट हो चुका है, ई मैंडेट भी जो है कंप्लीट कर लिए गए हैं। जब हम बजाज के कस्टमर केयर नंबर पर जो है कॉल करके बात भी की है, बात करने वाले थे कि हम ये प्रोडक्ट जो है नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो करने में दिक्कत आ रहा है, ट्रांजेक्शन जो है डिक्लाइन बताया जा रहा है। तब बजाज का एक ऐसा कस्टमर केयर नंबर है कि आप उस पर जो है कॉल लगाते लगाते थक जाइएगा, लेकिन बजाज के कस्टमर केयर नंबर से आप जो है बात नहीं कर पाइएगा। लेकिन बजाज वाले हैं आपके पास जो है दिन भर में जो है 10 बार कॉल करेंगे कि आप लोन ले लीजिए, आपके लिए लोन जो है इतना सस्ता मिल रहा है।
कि हमारा जो कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी नहीं हो रहा है, हम बजाज का एनुअल फी जो है पे भी किए हैं, इसके बाद बजाज का जो भी हमारा केवाईसी भी कंप्लीट हो चुका है, ताकि हम क्यों नहीं नहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है कर पा रहे हैं। तो उन लोग के पास देखिए क्या होता है कि केवल लोन के लिए आप लोग के पास कॉल करेंगे, इसके बाद आपका कुछ भी प्रॉब्लम आने वाला है बजाज एमआई कार्ड में तो आपका देखिए सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ देखिए हम 2 या 3 महीना से पहले से जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इसमें बजाज एमआई कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो हमारा प्रोडक्ट नहीं हम ले पा रहे हैं। इसका क्या सलूशन है अभी तो हमें नहीं पता है, लेकिन बजाज एमआई मोबाइल नंबर पर एसएमएस आ जा रहा है कि आप इस ट्रांजेक्शन के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आप इलिजिबल नहीं है। अब इसका क्या समस्या है अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बजाज वाले के पास जो देखिए कांटेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, मन में अभी डाउट रहा होगा तो एक नीचे हमें प्यारा सा कमेंट करके जो है बता सकते हैं। इस वीडियो को आप फ्रेंड या रिलेटिव के पास आप जरूर शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।